ये चट्टान भी यहाँ से दरियाफ्त की गई है और इसके ऊपर भी कुछ रस्म है अल्फाज लिखे हुए आदम अलैहिस्सलाम तक, आदम अलैहिस्सलाम, काबील, हाबील। इस जगह की सबसे खास बात ये है कि पूरा साल यहाँ टेम्परेचर इस केव से इनका टेम्परेचर 25-30 डिग्री रहता है। इन केव्स को एक तो रहने के लिए, फिर जो बादशाह था उस बादशाह के लिए ये खत लिखा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं मोहम्मद वकार राजपूत, आपको अपने नए विराग में 5000 साल पुरानी लैंड ऑफ सिविलाइजेशन में खुश आमदीद कहता हूं। ये कदीम तरीन सिविलाइजेशन वफूव शहर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर मशरक की जानिब एलगारा माउंटेन के अंदर मौजूद है। शाम हो रही है और गेट नंबर 2 से हम दाखिल हो चुके हैं। सामने किला नुमा इमारत ने पूरे पहाड़ी सिलसिले को नज़रों से ओझल किया हुआ है। आइए चलते हैं माउंटेन के अंदर और आपको दिखाते हैं हिडन ट्रेयर। ये इंट्रेंस है एलगारा माउंटेन का और यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। एक टिकट की प्राइस है 50 रियाल पर पर्सन। और ये गोल्ड सिस्टम लगी है, ये सारा अंदर देखने को मिलेगा। आपको लेके चलते हैं ना, एक छोटा सा म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर लेके चलते हैं और उसके अंदर आपको दोबारा दिखाते हैं। अंदर दाखिल होते ही हमें ये पुराने दौर के रस्म खत हमें मिलते हैं। ये पत्थर के ऊपर लगे, पत्थर से और मट्टी से बनाया गया, पत्थर के ऊपर मट्टी के साथ जो है ना कैलीग्राफी की। ये सारे सारे ये पुराने जितने भी वारदात यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे के सारे ये इसी जगह इसी जो केव्स हैं इन्हीं केव्स के अंदर से तलाश किए गए। और मिस्र के अंदर सेम इसी तरह से जो बुत है ना वो मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो अरामे मिस्र उसके अलावा यहाँ एक अरामे मिस्र के ये अरामे मिस्र की तरह का मॉडल है। तो इन मॉडल दोनों ये होता है कि इस जगह अरामे मिस्र के साथ या इसलिए जो कल्चर है उसके साथ एक अलग बना उस दौर के अंदर एक अलग बना। फिर आए आपको यहाँ के चलते अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंटर्स के पत्थर के ऊपर जो है ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के ये डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये कोई मुजस्मा नहीं है, इस मुजस्मे के साथ ये सबसे बड़ा मुजस्मा है। ये अक्सर आपने देखा होगा वीडियोज के अंदर, पिक्चर्स के अंदर। ये टेबल के ऊपर जो है ना ये मॉडल बना हुआ है, ये अलगारा केव्स जो है ना अलगारा माउंटेन और केव्स का पूरा मॉडल दिखाया गया है। ये तकरीबन 14 किलोमीटर का टोटल इसका इहाता है। ये पुराने तर्ज के इनके घर को देखें कितने बिजली तरीके से उस पुराने दौर के अंदर 5000 साल पहले जो इनके घर होते थे। ये देखिए ये चट्टान है, ये चट्टान भी यहाँ से दरियाफ्त की गई है और इसके ऊपर भी कुछ रस्म है अल्फाज लिखे हुए, लेकिन ये डेफिनेटली कोई ना कोई कोई जुबान तो नहीं होगी और आज भी शायद इस तरह की कोई जुबान नहीं होगी। अभी हम केव्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं। केव्स के अंदर दाखिल होते ही Thank you.
दोस्तों आ जाए, आ जाए अंदर चलते हैं और देखें कि इनकी हाइट कितनी है। आई थिंक सो 20-25 मीटर इनकी हाइट है। फिर ये पत्थर जो है ना वो लाइमस्टोन का है, लाइमस्टोन। वाह सुभानअल्लाह। यहाँ कैमरे लगाए हुए हैं, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। और जो ही आप यहाँ से इंटर करेंगे ना तो टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया। तो इस जगह की सबसे खास बात यह है कि पूरा साल यहाँ टेम्परेचर, इस केव से इनका टेम्परेचर 25-30 डिग्री रहता है। आउटसाइड टेम्परेचर चाहे समर है चाहे विंटर है, चाहे माइनस में है टेम्परेचर, चाहे 40-45 डिग्री पे है, लेकिन इस जगह का टेम्परेचर इस तरह का अल्लाह पाक ने इनको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ हर वक्त टेम्परेचर जो है वो 25 और 30 के दरमियान रहता है। इस इन केव्स की टोटल जो लेंथ है वो 264 मीटर है। ये मुख्तलिफ साइड से अभी यहाँ एकदम माहौल ठंडा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऊपर भी दिखा दें और ऊपर देखें बिल्कुल एक दूसरे के साथ आके जुड़ी हुई है। एशिया की अजान भी हो गई है और अभी हमने बहुत सारा एरिया विजिट करना है। ये जो स्पेसिफिक एरिया ना यहाँ फोटोग्राफी की जाती है। आपने बाहर जो इंटरनेट के ऊपर अगर फोटो देखे होंगे वो सारे के सारे लोग यहाँ बनाते हैं। आज शायद के घर में भी छुट्टी हुई है और यहाँ वो पिक्चर बनाते हैं। ये जो लैंड ऑफ सिविलाइजेशन है इसको 2019 में जो यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को किनारा है वर्ल्ड हेरिटेज का, उसका हिस्सा बना दिया गया। और इसके बारे में जो हिस्ट्री बताती है वो हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ से ये 5,000 साल पुरानी इस इन केव्स की तारीख है। और कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम गुजर इस जगह से हुआ है। ये जो केव्स हैं इनकी हाइट से ये पता चलता है कि जो पुराने ट्राइबल जो लोग थे वो इन केव्स को एक तो रहने के लिए, फिर जंग के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने ट्राइब पूरे को महफूज करने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल किया करते थे। ये जैसे हमारी नज़र पड़ी है इस पत्थर के ऊपर, यहाँ शजरा नसब है, नूह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब है आदम अलैहिस्सलाम तक। आदम अलैहिस्सलाम, काबील, हाबील, शीस, अनोश, मिहाइल, इदरीस, अलियारद, मुतवल्लक, लमक और ये नूह अलैहिस्सलाम तक। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि इस जगह की हिस्ट्री ये है कि यहाँ नूह अलैहिस्सलाम ने, उनके बारे में जो हिस्टोरियन ये बुक्स बताती हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के ट्राइब ने, नूह अलैहिस्सलाम ने इस जगह का विज़िट किया, चलते चलते यहाँ से विज़िट किया था। उस वजह से इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब यहाँ वो कैलीग्राफी किया हुआ है। कैलीग्राफी देख लें, इसके अंदर सोफिया का ओल्ड कल्चर और ये मेरे ख्याल में मर्द औरतें उनकी तस्वीरें हैं। ये साथ में ऊँट, ऊँट की तस्वीर है, ये शायद औरत की तस्वीर है और उसके पीछे ये बैल है या इस तरह का। अपने सऊदी जो है ना वो अपने कल्चर के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी ज़मीन पे बैठ के खाना, मट्टी पे बैठना, और उसके अलावा अगर आप देखें तो वीकेंड के ऊपर ये लोग सरा में निकल जाते हैं। 2-3 दिन ये सरा के अंदर टेंट लगा के अपने ऊँट, अपने जानवर अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ सरा के अंदर ये 1-2-3 दिन गुजारते हैं।
इससे इन्हें सुकून मिलता है अपने जड़ों के साथ, अपने सकाफत के साथ, कल्चर के साथ। यहाँ माशाल्लाह ये अगर आपको ये दिखा देते हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नबूवत वाली मोहर है, और ये जो खत है इस खत के बारे में ये कहा जाता है कि ये अरबी रस्म खत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत बहरीन का, उस वक्त का जो नजद का जो बादशाह था, उस बादशाह के लिए ये खत लिखा था, और ये इन्होंने कैलीग्राफी करके यहाँ इस दीवार के ऊपर लगाया हुआ। असल खत तो गुजारा वो किसी चमड़े के ऊपर मौजूद था या इस लकड़ी के ऊपर, लेकिन ये उसकी या उसका हम शक्ल उसके शक्ल के मुताबिक इन्होंने यहाँ कैलीग्राफी किया हुआ। ये अभी हम केव से आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और निकलते हुए मैंने ये हमारी नज़र पड़ी है ये पत्थर की सिल, ये लाइमस्टोन से बनाए हुए वो दीवार है। इस दीवार के ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ इसका ट्रांसलेशन है कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स एज अ फ्री प्रीशियस एंड आउटस्टैंडिंग एलिमेंट इन द यूनिवर्स। और अभी हम यहाँ से बैठ, यहाँ से ठंडे पानी में थोड़ी देर ठंडे पानी से मौजूद हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह। हाँ तो व्यूअर्स ये देखें, ये आपको खास करके ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये भी देख रहे, ये पुराने तर्ज के डोर्स हैं, दरवाजे, ठीक, और ये पत्थर के बने हुए दरवाजे। और अगर यहाँ आ जाए तो ये मट्टी की सराइयाँ हैं, पानी की सराइयाँ हैं, और इनके अंदर पानी भी है और ठंडा। टेम्परेचर इस वक्त 45 डिग्री है, और यहाँ ये पानी ठंडा पानी पानी के अंदर ठंडा पानी एरिए का विजिट करके तो आप हम और ये आप देख रहे हैं सामने मोटर लगी हुई है, और मोटर के साथ साथ आप देख रहे हैं लकड़ी का, ये जो है ना लकड़ी का वो है, और पीछे से मोटर लगा के हमने ये पानी यहाँ ला के ये फुहारा बना है ठंडा पानी। इन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल ट्रैवल टाइम विद गुलजार सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ हिस्टोरिकल लैंडस्केप और खूबसूरत किस्म की वीडियोज़ आप देख सकते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।